नमस्कार किसान भाइयों, अपना कृषि बाजार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आइए जान लेते हैं आज के नीमच मंडी के भाव। तो नीमच मंडी के अंदर सोयाबीन न्यूनतम बिके 6,800, उच्चतम 7,600 रुपये बिकी है और मूंगफली न्यूनतम बिके 3,800, उच्चतम 5,600 तक। आज मूंगफली का भाव रहा है नीमच मंडी के अंदर। मेथा बिका है न्यूनतम 5,400, उच्चतम 6,980 तक मेथे का भाव रहा है आज। कलौंजी बिके न्यूनतम 18,000, उच्चतम 20,000 तक कलौंजी के भाव रहे हैं आज। इसबगोल बिका है न्यूनतम 9,400, उच्चतम 11,100 तक इसबगोल बिका है आज नीमच मंडी के अंदर। डालर चना बिका है न्यूनतम 5,500, उच्चतम 7,890 तक डालर चने का भाव रहा है। अलसी बिकी है न्यूनतम 6,400, उच्चतम 7,120 तक अलसी का भाव रहा है आज। और किसान भाइयों, धनिया बिका है न्यूनतम 5,650, उच्चतम 6,600 तक धनिया का भाव रहा है। गेहूं बिका है न्यूनतम 1,850, उच्चतम 2,100 तक आज गेहूं बिका है नीमच मंडी के अंदर। और किसान भाइयों, मक्का न्यूनतम बिका है 1,625, उच्चतम 1,700 तक मक्के का भाव रहा है आज। जो बिकाए न्यूनतम 1,700, उच्चतम 1,771 तक आज जो बिकाए नीमच मंडी के अंदर। और किसान भाइयों, तारामीरा बिके न्यूनतम 4,500, उच्चतम 4,910 तक तारामीरा के भाव रहे हैं आज। और बात करें तुलसी के भाव की, तो न्यूनतम 12,000, उच्चतम 18,500 तक तुलसी बिकी आज नीमच मंडी के अंदर। अजवाइन बिकाए न्यूनतम 10,300, उच्चतम 13,500 तक अजवाइन के भाव रहे हैं आज। किसान भाइयों, बात करें अगर चने के भाव की, तो चना न्यूनतम बिकता है 4,100, उच्चतम 4,525 तक चने का भाव रहा है। और सरसों बिकी है न्यूनतम 6,000, उच्चतम 6,581 तक आज रायडे का भाव रहा है, यानी सरसों का भाव। मसूर का भाव रहा है न्यूनतम 4,400, उच्चतम 5,500 तक मसूर बिकी आज नीमच मंडी के अंदर। मूँग बिका है न्यूनतम 5,000, उच्चतम 5,810 तक मूँग के भाव रहे हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में घंटा उसे दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। किसान भाइयों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ग्रुप की लिंक मिलेगी जिसमें आपको भाव के बारे में बताया जाता है, अपडेट दी जाती है। अगर आप उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं, या स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर हमें मैसेज करें जिससे हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे।